आगे कानपुर में निजी स्कूल कॉलेजों के लिए शासन और जिला प्रशासन का आदेश कोई मायने नहीं रखता। इसके चलते ही डीएम के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर शहर के सभी स्कूल कॉलेज खुले रहे। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने स्कूलों पर कार्रवाई के आदेश दिए थे और इसके बाद भी स्कूल प्रबंधकों के मनमाने रवैये के चलते अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शहर के फातिमा कॉन्वेंट सेंट फ्रांसिस सनातन धर्म इंटर कॉलेज एनएल के किड्स प्री के साथ कई स्कूल खुले रहे। आज विद्यालय खुला हुआ है, अब इसी की जानकारी नहीं मेरे को, गेस्टेड हॉलीडे घोषित हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आज विद्यालय खुला हुआ है प्रॉपरली और मैं अपने बच्चे को लेकर आया हूँ विद्यालय छोड़ने के लिए आया हूँ। स्कूल खुला है जरूर, क्योंकि ये सब हमारे विद्यालय में परीक्षा चल रही है और ये प्री शेड्यूल था और पेपर में आज निकला है जो छुट्टी है गेजेटेड हॉलीडे और परीक्षा के बाद 2 घंटे की परीक्षा है, उसके बाद हम लोग बच्चों को ऐसे भी जाना था उनको घर चले जाएंगे, इसलिए विद्यालय खुला है और कोई ये नहीं है। इसलिए खुला है क्योंकि हमें प्रशासन से कोई खबर नहीं आई है, हमने पहले भी उनको इन्फॉर्म किया, कई बार ऐसा हुआ है कि हमारा स्कूल खुला है और छुट्टी घोषित कर दी गई है। अगर हमें एक दिन पहले ये सूचना मिल जाए तो हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, करीब 2900 बच्चा यहाँ पे पढ़ता है और सबको इन्फॉर्म करना हमारे लिए फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, सुबह फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, कुछ बच्चे आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो इसीलिए हम इन्फॉर्मेशन भेज नहीं पाते, इसलिए हमने स्कूल खोल दिया है।